महिला प्रोफेसर को शादी का ऑफर देकर उनके साथ बलात्कार करने और पैसा ऐंठने वाला उज्जैन पुलिस का सिपाही मिल गया है। अपनी करतूत की उसने हामी भरी है। उसने खुलासा किया कि वो शादीशुदा और दो बच्चियों का पिता भी है, फिर भी फर्जी आईडी बनाकर मेट्रोमोनियल साइट से जुड़ा हुआ है। साइट पर महिला प्रोफेसर का ब्यौरा देखा तो कुंवारा बनकर उसे भी झांसे में ले लिया। सोचा पुलिस में होने की वजह से महिला उसकी शिकायत नहीं करेगी। शहर के महिला प्रोफेसर को शादी का ऑफर देकर रेप करने वाले उज्जैन के सिपाही बैच नंबर 776 सनोज शर्मा गुरुवार को पुलिस के शिकंजे में आ गए। दो दिन पहले पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मेट्रोमोनियल साइट पर शादी का ऑफर देकर उसके साथ तीन लोगों ने धोखा किया। इनमें सत्यप्रकाश तिवारी, सनोज शर्मा और उसके साथ बलात्कार किए और पैसे भी ऐंठे हैं। आरोपियों में सनोज शर्मा उज्जैन में सिपाही है जो शादीशुदा और एक बच्चे का पिता भी है। उसके बावजूद उसने जीवनसाथी.com पर फर्जी नाम से आईडी बनाई थी। उसने खुद को कुवारा भी बताया था। वहीं इसी आईडी के जरिए महिला प्रोफेसर से 3 साल पहले मार्च में संपर्क किया। उसने शादी की रजामंदी कर परिवार से मिलवाने के लिए उज्जैन बुलाया। इसी बीच उसने महिला के साथ पैसों की ठगी भी की और इसके बाद ही वो महिला से शादी के लिए मुकर गया। उसने कहा कि वो शादीशुदा और दो बच्चों का पिता है, जो भी किया उसने वो भूल जाओ, वो खुद पुलिस में है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही उसके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है। ऐसा फरियादिया के द्वारा जो रिपोर्ट कराई गई थी सेक्शन 376 के तहत थाना यूनिवर्सिटी में केस रजिस्टर्ड हुआ था, उसमें उसके द्वारा ये बताया गया था मेट्रोमोनियल साइड में एक व्यक्ति ने अपने आप को पुलिस वाला बताकर उसके साथ फ्रॉड भी किया, उससे 51,000 रुपये उससे ले भी लिए, शादी का जैसा भी दिया और उसके बाद फिर उसको वहाँ एक अपने वहाँ देवास और उज्जैन वहाँ बुलाकर और रुकवाया, दर्शन कराए और दर्शन के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया। तो इसमें लगातार थाना यूनिवर्सिटी की टीम ने और CSP यूनिवर्सिटी रत्नेश सिंह तोमर इनके द्वारा लगातार उसमें कार्रवाई करते हुए उसमें यह पाया गया कि एक वो कांस्टेबल है जो कि 32वीं बटालियन का है और उसके द्वारा उसको आइडेंटिफाइड करने के बाद तो उससे जब पूछताछ की गई तो फिर सारी बात खुल गई और ये सारी बातें उसमें आ गई कि उसके द्वारा इस तरह से फर्जी मेट्रिमोनियल साइट में अपने फर्जी बायोडाटा डाल के, जबकि वो ऑलरेडी विवाहित है, उसके बावजूद भी वो अविवाहित स्टेटस डालकर और लगातार लड़कियों से बात करता था, उसके द्वारा बताया पूछताछ में ये बात सामने आई है। तो फिलहाल एविडेंसेज के आधार पर उसको अभी गिरफ्तार कर लिया गया, इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस रिमांड लिया जाएगा। इसमें अन्य दो आरोपी और है जो मेट्रिमोनियल साइट के जरिए उसने इसके साथ दोस्ती की थी, जिसने एक ने दुष्कर्म भी किया है और जबकि एक दूसरे व्यक्ति ने इसके साथ 1,00,000 रुपये का फ्रॉड किया है। तो इसमें भी सेक्शंस भी जो सेक्शंस हैं वो भी बढ़ाए जाएंगे और इसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं उनकी भी तलाश के लिए क्राइम ब्रांच की और यूनिवर्सिटी की टीमें काम कर रही हैं।